तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्लांट मॉर्फोलॉजी लेक्चर सिक्स में फाइलोटैक्सी एंड लीफ मॉडिफिकेशंस कल भी हमने इसके बारे में पढ़ाई करी थी लीफ मॉडिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी आज उसको कंप्लीट करेंगे यानी कि यूं कहें कि लीफ के बारे में बेसिक आइडिया कल हमको हो चुका था कल की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं फाइलोटैक्सी के बारे में डिटेल में प्लस लीफ मॉडिफिकेशंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आपने कल के सेशन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लीफ पत्ती की महानता के बारे में सारी चीजों की जानकारी आप ले चुके हैं तो अब हम उनके अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे और कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन देखेंगे देख लीजिए भी अनोखा दृश्य आपको पेड़ ही कर सकते हैं और और पेड़ की पत्तियां हैं कोई और पार्ट नहीं है दीज आर द द लीव्स ऑफ प्लांट्स तो चलिए बच्चों सेशन को शुरू करते हैं तो जिन बच्चों ने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया उनके लिए माय इंट्रोडक्शन माय नेम इज प्रदीप सिंह माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉट एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू बच्चों बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेकेंडरी प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं आपकी वजह से मैं यहां पर हूं आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे सेशंस अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर दिया करिए हैश नीट लाइफ डेली के थ्रू ताकि इस रेवोल्यूशन की बात सबको पता चलती रहनी चाहिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐट द के थ्रू इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा टेलीग्राम ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए आप टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है इसको इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे देन गो टू एनी ब्राउजर और ब्राउजर में टाइप करिए टाइनी यू आर एल डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश नीट लाइव चैट एंड यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस ग्रुप आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है आपको सारे के सारे अपडेट्स आपकी क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर मिलते रहेंगे बच्चों इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर है जहाँ पर एट अ प्लेस आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सारे के सारे कोर्सेज को देख पाएंगे इसके लिए करना सिर्फ इतना है यू गो टू अर एल डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश नीट मोबाइल एंड यू विल गेट दिस लेआउट यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे के सारे लेक्चर्स आपको एट ए प्लेस दिखाई देंगे एक ही जगह से आप ब्राउज कर सकते हैं यू कैन लुक द चैप्टर्स एंड देन लेक्चर्स आर देयर लेक्चर वाइज डिस्स है चैप्टर्स का इसके अलावा आप यहां से डायरेक्टली पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं सो एट अ प्लेस यू विल गेट एवरीथिंग अब बात कर लेते हैं बच्चों अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जो इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां पर लाइव क्लासेस होती हैं यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर जैसे यहां पर इंटरेक्शन कर पा रहे हैं उसी तरह से लेकिन यहां पर वन वे कम्युनिकेशन है इन अ वे आप क्या कह रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जब क्लास चलती है तो

देख लीजिए चल रहे हैं कोर्सेज इसके अलावा भी फिफ्टी टू सिक्सटी कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग तो आप वहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं कैसे करेंगे इसको इंस्टॉल गो टू तो प्ले स्टोर एंड प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड क्लिक ऑन प्लस एंड देन सिलेक्ट नीट एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन और बच्चों ये सब्सक्रिप्शन का पेज आ जाएगा यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं द लॉन्गर द ड्यूरेशन द मोर कॉस्ट इफेक्टिव इट इज और अगर मेरे सेशन पसंद आते हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव यू विल ऑल्सो गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस सो प्रदीप लाइव कोड फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं आज के इस सेशन को एंड बिफोर आई स्टार्ट वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू विच टाइप ऑफ लीव इट इज एंड विच प्लांट्स लीव इट इज ये कौन सी पत्ती और यह कर क्या रही है ये भी तो बता दीजिए और एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आ, रेहान निशांत अजय सुमाया आसिफ बहुत बढ़िया बच्चों स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का और मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं कृष्ण गोपाल गुडू तनवी मोहम्मद आसिफ पिंकी चलिए बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और ये कौन सी पत्ती है ये देखना चाहता हूँ मैं आपको समझ में आया कि नहीं क्योंकि हम बात आज करने वाले हैं लीफ्स के बारे में तो जाहिर सी बात है ये भी लीफ ही है हेलो उज्ज्वल यस डॉक्टर हरीश रूही चलिए त्रैंबकेश नीतवा पूजा यश संजीत बहुत बहुत

प्लांट्स की आवश्यकता भी है और जरूरत भी है लेकिन फिर भी ये कार्निवोरस इस वजह से हुए क्योंकि ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती हैं तो ये अपना नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं और अमीनो एसिड्स एनिमल सोर्स से बेहतर कहां मिल सकता है सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई दिस हैज गॉट सर्टेन मॉडिफिकेशन तो हम बात करेंगे इन मॉडिफिकेशन के बारे में भी लेकिन पहले शुरू करते हैं फाइलोटैक्सी से फाइलोटैक्सी का मतलब होता है पत्ती का कैसे अरेंजमेंट है डाली के ऊपर यानी कि ब्रांच या स्टेम के ऊपर किस तरह का अरेंजमेंट है दैट इज फाइलोटैक्सी फाइलोटैक्सी तो समझ लेते हैं द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द द द स्टेम एंड और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी सो फाइलोटैक्सी का मतलब सिर्फ इतना है कि पत्ती किस तरह से स्टेम या ब्रांच पर अरेंज है दैट इज फाइलोटैक्सी अब क्वेश्चन है कि कैसे अरेंज है इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्रांच दिस इज अ ब्रांच सो वन लीव कैन कम आउट फ्रॉम हीयर एन अदर लीव कैन कम आउट फ्रॉम हीयर थर्ड वन कैन कम आउट नाउ द क्वेश्चन इज क्या सारी की सारी पत्तियां एक ही तरफ निकलेंगी या इधर भी निकलेंगी दूसरी तरफ भी पत्तियां निकलेंगी दूसरी तरफ भी निकलेंगी तो क्या वहीं से निकलेंगी जहां से पहली पत्ती निकली थी या थोड़ा सा आगे और पीछे निकल सकती हैं आई बात समझ में तो इसको बोलते हैं हम फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ ली बड़ा ही सिंपल है लेकिन इसको ऑब्जर्व करना कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होता है सो दिस फाइलोटैक्सी इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कौन कौन सा टाइप है ऑल्टरनेट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी यानी कि एक पत्ती अगर देख लीजिए यहां से निकल रही है इस तरफ तो दूसरी पत्ती थोड़ा सा आगे निकलेगी और उस तरफ निकलेगी सो इट इज जस्ट इन ऑपोजिट वे ऑल्टरनेट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट एक राइट इसमें कुछ और कंडीशन हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे इसके बाद ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब जहां भी पत्ती निकलेगी सो वेर एवर विल कम ये देखिए यहां से एक पत्ती इधर निकली तो एक पत्ती इधर निकल गई so, एक पत्ती ये देखिए नीचे की तरफ इधर निकली है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाली नीचे से निकली हुई है इफ वन दिस साइड देन वन दिस साइड दिस इज नोन एज ऑपोजिट एक दूसरे के सामने दो पत्तियां निकलेंगी जब भी निकलेंगी या फिर वर्ल्ड एक साथ पूरे गोलाकार में निकल आएंगी पत्तियां देख लीजिए ये आई यहां से स्टेम और ये सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही हैं। और यहीं से बीच में ग्रोथ होगी जब यहां ग्रोथ होगी आगे जाएगी फिर पत्तियां इधर 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 सारे डायरेक्शंस में पत्तियां ऊपर से फिर निकलेंगी सो दिस इज नथिंग बट वर्ल्ड फाइलोटैक्सी अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले ली जाए ये तो जस्ट एक ओवरव्यू हो गया सो लेट एस स्टार्ट विथ ऑल्टरनेट वेन अगल लीफ अराइजेज एट यानी कि एक नोड पर एक ही पत्ती निकल रही है सो द फाइलो टैक्सी इज ऑल्टरनेट

पंखुड़ियां होती हैं, वो भी बच्चों स्पेशल टाइप की लीफ हैं, बिकॉज फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट तो फ्लावर के जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं ये भी स्पेशल टाइप की पत्तियां ही हैं क्योंकि इन्होंने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को इसलिए कलरफुल हो गए सो दिस इज ऑल्टरनेट इसके अलावा और किस में देखने को मिलता है मैंगो में देखने को मिलता है सो so मैंगो का प्लांट मैंने यहां पर नहीं लगाया बिकॉज मैंजीफेरा इंडिका इज द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री और आपने आम बहुत खाए हैं आम के पेड़ को भी बखूबी देखा हुआ है इसके बाद मैंने लगाया है मस्टर्ड आपके समझ के लिए मस्टर्ड मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम आप जानते ही हैं ब्रासिका ब्रासिका निग्रा यानी कि ब्रासिका जीनस देख लीजिए पत्तियों को एक नोड से एक ही पत्ती निकलेगी और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं सो दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं आप ये देखिए सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग तो ऑल्टरनेट हो गई इसके अलावा सनफ्लावर हेली सनफ्लावर को Helianthus बोलते हैं। देख लीजिए सनफ्लावर की भी पत्तियां एक यहां से निकल रही तो एक इधर से सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए कोई भी प्लांट की ब्रांच अगर आपको कहीं पर भी दिखती है तो एक बार जरूर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं अपने अगले बर द ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलो टैक्सी वेन टू लीव सराइज एज द नोड यानी कि दो पत्तियां एक नोड पर निकलती हैं बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर दाइलो टैक्सी इज नोन एज ऑपोजिट ये देख लीजिए ऑपोजिट फाइलो टैक्सी अब यह किसमें पाया जाता है वी कैन फाइंड इट इन कैलोट्रॉपिस तो कैलोट्रॉपिस में पाया जाता देख लीजिए दिस इज कैलोट्रोपिस कैलोट्रॉपिस की दो स्पीशीज हमारी कंट्री में पॉपुलर हैं काफी ज्यादा एंडेमिक कह सकते हैं उनको एक है कैलोट्रॉपिस प्रोसीरा और एक है कैलोट्रॉपिस जाइेंटिया कैलोट्रॉपिस को वैसे तो वीड कहा जाता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इसके पास पोलिनिया होता है पोलिनिया का मतलब होता है सारे के सारे पोल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में

नाउ अब यहां पर आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि ट्विस्टिंग हो गई है इन वाले का जो प्लेन है सो द प्लेन ऑफ दिस टू लीव इज लाइक दिस बट किसी का प्लेन ऐसे भी हो सकता है एक पत्ती का ऐसे एक पत्ती का ऐसे तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से उसके बारे में भी बात करेंगे इसमें भी आपने देखा कि दो पत्तियाँ ऐसे हैं फिर इसके ऊपर वाली पत्तियां ऐसे हो गई सो दिस इज वट द अरेंजमेंट इज देन वी हैव गुआ गुआवा अमरूद में भी सीडियम साइंटिफिक नेम्स याद रखने की कोशिश करिएगा एक लिस्ट बना लीजिए वहां से आपको आसानी रहेगी ये देख लीजिए यहां पर पत्तियां दिस इज एंड दिस इज गोइंग साइड बाई साइड दोनों की दोनों जा रही है दिखाई दिया आपको जस्ट अ फ्यू सेकेंड देर इज समेक्निकल ग्लिच ओके okay, बच्चों तो शुरू करते हैं थोड़ा सा मैं आपको दिख नहीं रहा हूं अभी दो सेकंड और लगेंगे ऑलराइट right, बच्चों तो इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी डार्कनेस है सो लेट अस कंटिन्यू ऑल राइट सो वी टॉक अबाउट गुआवा देख लीजिए अमरूद की पत्तियों में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये देख लीजिए सो दिस इज ऑपोजिट ऑपोजिट इसको कहते हैं स्क्रीन दिखाई दे रही ना सो माई सिलहॉटी इज विजिबल टू यू सिलहॉटी मीन्स दी अपियरेंस दैट आई एम हियर राइट सो मिंट भी आपने देख लिया इसमें भी ऑपोजिट है गुआवा में भी ऑपोजिट है सो दिस इज वॉट वी कॉल एज ऑपोजिट फाइलो टैक्सी तब तक एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं सोमाया हर्षिता हनी श्रावण शुभोजीत वेलकम बच्चों अजय मारिया रूही ओके बच्चों। एक और चीज ग्लूकोज मीटर बिल्कुल ऑन रहना चाहिए ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ता हुआ रहना चाहिए घटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे समझ में आ रही बात आ रही आवाज मेरी ओके ओके सो देर यू गो सो फाइनली एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग है ना भाई तो देखिए हमने इकोलॉजी में लाइट के बारे में पढ़ा है तो आज आपको एग्जाम्पल मिल गया कि अगर लाइट ना हो हमारी अर्थ में तो कितनी मुसीबत हो सकती है है ना लाइट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है तो लाइट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई सो so, लाइट बहुत जरूरी है चलिए बच्चों तो बात कर लेते हैं अब हम अपने एग्जाम्पल्स के बारे में एक बार फिर से सो नाउ वेन द लीव्स लीव एट नोड ऑपोजिट टू ईच अदर द फाइलोटैक्सी इज ऑपोजिट सिंपल सी बात है जब एक साथ दो पत्तियां निकलेंगी ऑपोजिट टू ईच अदर तो इसको ऑपोजिट फाइलोटैक्सी बोलेंगे जैसे कैलोट्रॉपिस कैलोट्रोपिस के बारे में मैंने बताया कैलोट्रोपिस प्रोसीरा कैलोट्रॉपिस जाइगेंटिया दो तरह की स्पीशीज हमारी कंट्री में पाई जाती है इसके बाद ये रहा गुआवा यानी कि अमरूद अमरूद के बारे में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में इसकी ओवरी भी स्पेशल होती है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड देन वी हैव द मिंट मिंट यानी कि पुदीना मैंथस पाइपेरिटा चलिए तो ये हो गया फाइलोटैक्सी ऑपोजिट अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी देख लेते हैं वर्ल्ड मतलब पूरा का पूरा राउंड में है सो व्हेन मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड द फाइलोटैक्सी इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी सिंपल सी बात है जब दो से अधिक पत्तियां निकलेंगी तो वो पूरा का पूरा एक सर्कल ही बना देंगी तीन में तो कभी निकलेंगी नहीं चार पांच छह इस तरह के हिसाब से निकलती हैं थ्री लीव्स वेरी रेयर समझ में आई बात कुछ पाम्स में जरूर देखने को मिलता है कि एक जगह पे तीन पत्तियां निकल रही हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है बट यूजुअली व्हेन इट इज मोर देन टू इसको हम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलेंगे दो एग्जांपल्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं नेरियम नेरियम देख लीजिए दिस इज नेरियम एंड अल्स्टोनिया तो नेरियम कौन सा है इसमें नेरियम ये रहा एंड अल्स्टोनिया अल्स्टोनिया को आप बखूबी पहचानते हैं काफी पहले से जानते हैं अल्स्टोनिया के बारे में अल्स्टोनिया स्कोलारिस जिसको सप्तपर्णी भी बोला जाता है देख लीजिए गिन लीजिए पत्तियां कितनी है इसमें सो इफ वी काउंट इट इट्स one two three four five six एंड seven इस वजह से सब तो पढ़नी बोला जाता है शांति निकेतन में इसकी ट्विग रविंद्रनाथ टैगोर के ज़माने से चलता था कि ये स्कॉलर्स को दी जाती थी इसके ऊपर हमने एक सेशन भी लिया है उसमें भी आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट प्लांट्स के ऊपर तो दिस इज़ नेरियम अब नेरियम की पत्ती देखिए पत्ती यहाँ इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है बट सी ऑल द लीव्स विच आर कमिंग एक जगह से जितनी भी पत्तियां निकल रही हैं वो पूरी की पूरी वर्ल्ड फाइलो टैक्सी में है यानी कि दो से अधिक पत्तियां हैं और राउंड में निकल रही है उसी जगह नोड से दिस इज वर्ल्ड फाइलो टैक्सी समझ में आई बात अब थोड़े से एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं देखिए ऑल्टरनेट लीव किस तरह से दिखती हैं दिस इज अ क्लोजअप पिक्चर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऑल्टरनेट लीव दिखाई दे रही है एक इधर जा रही एक इधर जा रही फिर एक इधर जा रही फिर एक इधर जा रही फिर एक इधर जा रही दिस इज हाउ एंड वर्ल्ड लीव्स देख लीजिए कैसे निकल रही है एक ही जगह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नॉट अल्स्टोनिया ठीक है ये एक दूसरा प्लांट है देख लीजिए इसमें निकल रहे कि नहीं निकल रहे सो दिस इज वर्ल्ड फाइलो टैक्सी इसके बाद ये देख लीजिए ऑपोजिट ऑपोजिट में सुपरपोज लीव्स यानी कि एक ही दिशा में एक ही एंगल पे दोनों निकल रही है. नीचे ऐसे निकली फिर इसके ऊपर ऐसे फिर इसके ऊपर ऐसे यानी कि एक ही तरफ निकल रही हैं पत्तियां सो दीज आर सुपरपोज लीव्स देख लीजिए एंड देन द वंस दैट आई टोल्ड यू कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है ऑपोजिट लीव तो है लेकिन दिस इज डेक्यूसेट सो सी दिस वन दिस इज ऑन दिस प्लेन एंड दिस इज ऑन दिस प्लेन सो दिस टू प्लेन्स आर एट एन एंगल ऑफ नाइनटी डिग्री ऑपोजिट दोनों हैं बच्चों लेकिन याद रखिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली जाए ठीक है समझ में आ रहा सबको रूही, मारिया श्रवन डॉक्टर अजय सुमाया वैष्णवी श्रवण हाँ जी. चलिए समझ में आ रहा है लाइक्स तो दबते ही रहने चाहिए बच्चों इसमें बताने वाली तो बात ही नहीं है सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में अब देख लेते हैं कौन कौन से मॉडिफिकेशन हमें मिलते हैं सो लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस स्पेशल फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस का है ही फोटोसिंथेसिस फूड स्टोरेज ये इनका मेन फंक्शन है इसके अलावा वेरियस अदर स्पेशल फंक्शन भी ये करते हैं तो जैसे कुछ मॉडिफिकेशन को जैसे हम पढ़ेंगे आपको सारे के सारे फंक्शन क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए बात कर लेते हैं टेंड्रिल्स की टेंड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेम टेंड्रिल भी आप पढ़ चुके हैं स्टेम टेंड्रिल हमने पढ़ा हुआ है इसी मॉर्फोलॉजी में कुकरबिटा में स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं दे हेल्प द प्लांट इन गेटिंग सपोर्ट कुछ सपोर्ट के अगेंस्ट में जो है वो इंटेंगल कर जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट को आसानी रहती है सो दिस इज़ वाट नोन एज टेंडल्स एक बार आप क्विकली देख लीजिए दोनों पिक्चर्स को क्लैरिटी आ गई समझ में आया सो so, टेंडिल्स किसमें किसमें पाई जाती हैं पाइजम सेटाइवम पाइजम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट स्वीट पी जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसके अलावा ओडोरेटस को और पाइजम सेटाइवम तो एक्चुअल जो मटर है यानी कि जिसको हम गार्डन पी बोलेंगे वो है पाइजम सेटाइवम लेथाइरस ओडोरेटस इज अनादर टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ पी जिसको हम स्वीट पी बोलते हैं सो so, इस पर भी जेनेटिक रिसर्च काफी हुआ है तो इन दोनों में क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट के लिए जो है टेंड्रिल्स होते हैं देख लीजिए टेंड्रिल्स कैसे निकल रहे हैं लीफ टेंड्रिल्स हैं ये ये देख लीजिए लीफ में से इमर्ज कर रहे हैं यहां पर देखिए यह जा रही है कंपाउंड so लीफ ये देख लीजिए लास्ट पार्ट इज मॉडिफाइड इंटू टेंड्रिलर स्ट्रक्चर है ना तो ये टेंडिल क्या करते हैं किसी भी सपोर्ट के अगेंस्ट अपने आप को क्लिंग कर लेते हैं कैसे टेंडल्स की ग्रोथ होती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना है प्लांट फिजियोलॉजी में इसको हम डिटेल से समझेंगे एक्चुअली होता कुछ नहीं है मान लीजिए दिस इज अ सपोर्ट एंड अ टेंड्रिल कम्स एंड टच इज़ द सपोर्ट तो जो पोर्शन जो लेयर टेंड्रिल का सपोर्ट को टच करेगा वहां के सेल्स स्लो डिवाइड करेंगे और उसके ऑपोजिट साइड के सेल्स ज़्यादा तेजी से डिवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो टर्न हो जाता है ऐसे करके टर्न हो जाता है इधर के सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं पीछे की तरफ के सेल डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा जिधर के सेल ज़्यादा डिवाइड करेंगे वो ऐसे करके अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा दूसरा आउटसाइड सेल्स आर डिवाइडिंग मोर इनसाइड सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग तो वो ऐसे करके टर्न हो जाता है दिस इज हाउ इट इमर्जेज इट समझ में आ गई बात तो टेंड्रिल्स हो गए लीफ टेंड्रिल दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ फॉर स्पेशल पर्पज अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्पाइंस थॉर्न्स अलग हैं स्पाइंस की बात करते हैं तो स्पाइंस कांटे जैसे ही होते हैं हम अगर जनरली बोलें तो कांटे ही भी बोलेंगे लेकिन थॉर्न्स जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है इस चीज को लेकर so जो सूखे वाले इलाकों में पाए जाते हैं जहां पानी का, का काफी शॉर्टेज रहती है पानी की कमी रहती है ऐसे इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट में पत्तियों को वो स्पाइन में मॉडिफाई कर देते हैं देख लीजिए ओपनशिया <coughs> ये देख लीजिए ये सारे के सारे और इस फ्लैटेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं वट डू वी कॉल दिस फ्लैट एंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर क्योंकि वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे इस चीज को जानते हैं सो आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम हैविंग मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इस चीज का आंसर दे पाते हैं ऑपनशिया का जो फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो क्या है कैक्टस प्रजाति के हैं बिल्कुल सही बात है कैक्टस प्रजाति के ही हैं सो मी हैव अ लुक व्हाट इज दैट ग्रीन स्ट्रक्चर नोन एज नाक फनी दैट्स राइट श्रवन दैट्स राइट right. इसको नागफनी बोलते हैं हिंदी में और पंशिया को नागफनी बोला जाता है कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया उमदा बहुत बढ़िया बच्चों दैट्स फाइलोक्लेड फाइलोक्लेड आप पढ़ चुके हैं क्लैडोड आप पढ़ चुके हैं तो फाइलोक्लेड हो गया या क्लैडोड हो गया ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है इसी से मिलता जुलता एक लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसको फाइलोड बोलते हैं वो भी आगे आपका इंतजार कर रहा है सो वी विल लर्न अबाउट दैट फाइलोड टूडे एज वेल ठीक है फाइलोड फाइलोक्लेड इज डिफरेंट बिकॉज इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन देख लीजिए ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है स्टेम हैजर्म इनटू अ ब्रॉड स्ट्रक्चर और पत्तियों को क्या किया स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये ओपनशिया में पाया जाता है पत्तियों में स्पाइन आ गया लेकिन अगर हम बात करते हैं एलोवीरा की तो बच्चों ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है ये टू इन वन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्योंकि एलोवीरा में अलग से स्टेम का कोई रेसेंबलेंस नहीं होता तो इसको हम पत्तियां भी बोलते हैं सो so दीज लीव्स आर एक्चुअली सक्यूलेंट लीव्स थिक लीव्स हैं इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है तो हम इसमें स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि स्टेम हैज बिकम फ्लैट एंडेड क्योंकि इसमें भी स्टेम होती है थोड़ी सी होती है नीचे की तरफ होती है इसमें तो क्राउन ही रहता है पूरा पत्तियों का उन पत्तियों के ऊपर फिर कांटे आते हैं ये देख लीजिए ये जो है स्पाइंस हैं ये देख रहे हैं स्पाइंस आपको एलोवेरा में तो एलोवेरा में लीफ का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए भी होता है इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा इसको हम स्टेम नहीं बोलेंगे बट जो स्पाइंस दिख रही हैं इसकी स्पाइन टोटल लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है स्पाइंस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द लीफ यहां पर स्पाइन क्या है लीफ का ही पार्ट है लीफ का हिस्सा है लेकिन इसमें यानी कि ओपनशिया में जो स्पाइंस हैं वो लीफ का पार्ट नहीं है कंप्लीट लीफ है दैट इज द डिफरेंस कि ओपनशिया में जो लीफ है लीफ हैव बीन कन्वर्टेड इंटू स्पाइन्स बट एलोवीरा में जो स्पाइंस हैं दो स्पाइंस आर पार्ट ऑफ द फ्लैशी सेक्यूलेंट लीफ गॉट एट इसके बाद यह देख लीजिए सोलेनम जैंथोकार्पम सोलेनम जैंथोकार्पम एक जंगली बैंगन भी बोलते हैं इसमें छोटे छोटे बैंगन की तरह के फ्रूट आते हैं आयुर्वेदिक दवाओं में इसका बड़ा यूज होता है सोलेनम जैंथोकार्पम देख लीजिए स्टेम के ऊपर भी आपको दिखेंगी पत्तियों के ऊपर भी कांटे हैं इसमें स्टेम पर भी हैं सो so, स्टेम पर भी कांटे हैं इसके अलावा पत्तियों पर भी कांटे हैं यह बड़ा ही कॉमन है दिख जाता है एरिड एरियाज में सोलनेसी फैमिली का मेंबर है यानी कि पोटैटो फैमिली टमैटो फैमिली वो सब सोलनेसी फैमिली के ही मेंबर हैं सो दिस इज सोलनम जैंथोकार्पम सोलेनम जैंथोकार्पम देख लीजिए किस तरह का फ्लावर आता है ब्लू कलर का फ्लावर आता है इसके फ्रूट छोटे छोटे ब्रिंजल जैसे दिखते हैं बिल्कुल जंगली बैंगन बोलते हैं उनको छोटे छोटे फ्रूट होते हैं आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी बड़ा कॉमन है वीड है ये हमारी कंट्री में वीड है अनवांटेड प्लांट है खेती की जमीन पर भी ग्रो कर जाता है किसान भाई इसको निकाल देते हैं क्योंकि इससे फसल खराब होती है समझ में आ गई बात सो दीज आर स्पाइन्स ऑफ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और मॉडिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं देख बच्चों, जरूर देखा होगा इसमें बेर तो अभी नहीं दिखाई दे रही हाँ फ्लावर जरूर लग रहे हैं अब इसमें छोटी छोटी बेरियां आ जाएंगी सो दिस इज जिजीफस माउरीशियाना भी है एक जो जिसमें थोड़ी बड़ी वाली बेर लगती है और इसमें छोटी छोटी बेर लगती हैं झरबेर भी बोलते हैं उनको छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स आ जाते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं खाने में डिपेंड्स अपॉन अलग से एक एक वैरायटी में टेस्टी होते हैं किसी किसी वैरायटी में कड़वे कड़वे भी रह जाते हैं तो इस प्लांट में भी देखते हैं हम स्पाइन को इसके अलावा जो एक्सिया निलोटिका हमारा देसी बबूल है उसमें भी देख लीजिए कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं आपको ये देख लीजिए अकासिया ये देखिए बट ध्यान रहे बच्चों ये लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है क्योंकि इसकी लीफ देख लीजिए कांटों के पास से ही निकल रही है पत्तियां पत्तियां भी कांटों के पास से ही निकल रही है तो रूरल एरियाज़ में लोग इसकी दातून भी करते हैं तो इसकी दातून बनाने के लिए कांटों को निकालना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है और बेर को तो आप जानते ही हैं बेर कहीं पर भी दिख जाता है अपनी हमारी कंट्री में तो लगभग जगहों पे हिमालयाज के बहुत ज़्यादा हाइट को छोड़ करके दिख जाता है काफ़ी हार्डी प्लांट है देख लीजिए कितने बड़े बड़े स्पाइंस निकले हुए हैं तो खासियत क्या है ये जो भी स्पाइंस निकले हुए हैं जहाँ से पत्ती निकली हुई है वहीं से स्पाइन निकले हुए हैं ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कल के सेशन में हमने पत्ती के जहाँ से बेस स्टार्ट होता है अगर वहां पर कोई आउट ग्रोथ है तो उसको किस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं स्टिप्यूल तो यहां पर ये हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं किसमें स्पाइन में थॉर्न्स नहीं बोलेंगे इनको ये स्पाइन्स हैं बिकॉज थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम समझ में आ गई बात तो देख लीजिए स्पाइन्स ऑफ जिजीफस यानी कि बेर एंड एकासिया आर मॉडिफाइड स्टिप्यूल्स ये भी याद रखिएगा इसको मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में इसी वजह से रखा गया क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है लीफ का सो स्टिप्यूल इज एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ अगर वो स्पाइनी आउट ग्रोथ बना देता है तो भी उसको बोलेंगे कि मॉडिफाइड है भाई समझ में आ गई बात यहां तक चलो बच्चों क्लियर है सबको हाँ जी चलिए नेक्स्ट वन देन कम्स द फाइलोड जिसका आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे आपने रसकस का क्लैडोड भी देखा हुआ है मेरे सेशन में कितना ब्यूटीफुल होता है रस्कस का फ्रूट भी बिल्कुल चेरी रेड कलर का होता है अब बात कर लेते हैं फाइलोड के बारे में सो so, फाइलोड में क्या स्ट्रक्चर होता है सो फॉर कैरिंग आउट फोटो सिंथेसिस लीव्स आर स्मॉल एंड एफी यानी कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो लीफ होती है उसको बोलते हैं एफी मेरल उन प्लांट्स को भी बोलते हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में दो तीन महीने के लिए ग्रो करते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं सीड फॉर्म में अपनी बाकी की जिंदगी गुजार देते हैं यानी कि बाकी के महीने वो सीड के फॉर्म में गुजार देते हैं अगली बार जब फिर सीजन चेंज हुआ रेनी सीजन आया तो वो फिर ग्रोथ दिखाते हैं और फटाफट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके फिर से सीड के फॉर्म में ही चले जाते तो एफीमेरल का मतलब होता है कि जो सदा के लिए नहीं दिखाई देता तो इसकी पत्तियां जो हैं ऑस्ट्रेलियन एकासिया में ये पाया जाता है एकासिया ही है बट दिस इज ऑस्ट्रेलियन एकासिया इसको बोलते हैं एकासिया और तो ये स्ट्रक्चर क्या है ये फाइलोड है क्या चीज जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग देख लीजिए बच्चों इस पिक्चर में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है येलो येलो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दिस इज इन फ्लोरसेंस इसमें फ्लावर निकल रहे हैं दिस इज इन फ्लोरसेंस इन फ्लोरसेंस के पीछे आपको ग्रीन कलर की पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पत्तियां नहीं है इसलिए मैं क्लियरली कह देता हूं पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे ये देखो जी दिस इज पार्ट ऑफ लीफ है टोटल लीफ नहीं है दिस इज पार्ट ऑफ लीफ देख रहे हैं आप इस तरह की पत्तियां ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको है ना थोड़े से टेढ़े टेढ़े स्ट्रक्चर हैं ये देखिए है. अनोखा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ऐसे करके ट्विस्टेड है कुछ कुछ देखने में लग रहा है जैसे तेज पत्ता टाइप की पत्ती है तेज पत्ता होता है ना मसालों में यूज किया जाता है सो इट इज समवट लाइक दैट देख रहे हैं अब ये स्ट्रक्चर है क्या एक बार यहां से इंक हटा देता हूं लेट एस हैव अ लुक हियर कि इसमें पत्ती आती कहां है तो ये क्या चीज है नाउ पतियों में हमने दो चीज पढ़ी थी कि एक होता है पेटियोल दूसरा होता है लेमिना तो इसका जो लैमिना है बच्चों वो यहां पर निकलता है लेमिना ऐसे करके एक छोटी सी कंपाउंड लीफ यहां पर निकलती है और वो लीफ थोड़े टाइम के लिए ही रहती है उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है यानी कि विदर ऑफ हो जाती है फॉल ऑफ कर जाती है और एंड आफ्टर इट फॉल्स ऑफ सिर्फ पीछे का जो पोर्शन है ये ब्रॉड हो जाता है सो व्हाट दिस दिस पोर्शन एक्चुअली द पेटियोल ऑफ द लीफ लैमिना वहां से गायब हो गया लैमिना इसका बड़ा छोटा होता है देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पिक्चर में हो सकता है थोड़ा सा आपको लैमिना लीफी लैमिना दिखाई दे जाए ढूंढते हैं वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो एफीमेरल है बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है तो यूजुअली आप डायग्राम्स में तो देख लेंगे लेकिन जहां पर पिक्चर्स होंगी वहां पर आपको बहुत रेयरिटी के साथ दिखाई देगा क्योंकि इनिशियली वो निकलता है उसके बाद वो विदर ऑफ होकर ब्राउन हो जाता है तो यहां पर इस पत्ती के यहां पर एक छोटा सा नॉच होता है अगर आप रियल में इस प्लांट को कभी देखें तो वो आपको नॉच में स्कार मार्क दिखाई देगा सो दैट स्कार मार्क इस जगह पर एक छोटा सा स्कार मार्क होता है दैट स्कार हो गई अब एक बार पढ़ लेते हैं यहां दिया क्या हुआ है। सो फॉर कैरिंग आउट फोटोसिथेसिस पेटियोल एक्सपैंड हो जाता है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है फॉर्मिस ये एग्जाम्पल याद रखिएगा फॉर्मिस सो so, इसमें फाइलोड पाया जाता है फाइलोड और भी कई प्रजातियों में पाया जाता है बट दिस इज वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं तो so, इसमें क्या है कि लीफ की जो आ, लीफ ब्लेड है वो फॉल ऑफ कर गई और सिर्फ लीफ का जो स्टॉक है जो पेटियोल है वही ब्रॉड हो गया एंड इट इज कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है अब इसके बाद बात कर लेते हैं पिक्चर के बारे में देख लीजिए हैव अ लुक एट दिस तो छोटे मोटे जानवर भी जो हैं पिचर प्लांट के पिचर में फंस सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पिचर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है निपेंथस के बारे में पढ़ा हुआ है निपेंथस की फोटो आपने आज के थंबनेल में भी देखी थी लेक्चर की स्टार्टिंग में आप देख करके ही आए हैं सोचिए इस बेचारे चूहे का क्या हुआ होगा निकल तो सकता नहीं स्लिपरी सब्सटेंस है उसके अंदर निकलना बहुत मुश्किल है और उसके अंदर केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के पास ये जाते ही ओके सो फॉर कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को एक बार और हमने देखा था आ, छोटा सा एक कीड़ा था रेंगते हुए चला जा रहा था एक और मैंने दिखाया था आपको वो भी गिर गया था उसके अंदर यानी कि इसकी मार्जिन में जो पहुंच गया तो वहां से फिर वो स्लिप होके अंदर ही जाना है उसके निकलने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं सो फॉर कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स एंड फूड स्टोरेज सम लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर पिचर यानी कि घड़े नुमा स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाते हैं तो अब ये घड़े नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है देख लीजिए बच्चों ये पत्ती है दिस इज द द ऑफ लीफ ये देख लीजिए ये पत्ती आपको दिख रही है आपसे ये पत्ती और वहां से एक छोटा सा स्टॉक निकला है यानी कि लीफ टिप में से एक्सपेंशन होके इस तरह का एक घड़ा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है समझ में आ गई बात ये भी ग्रीन होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि इसको अमीनो एसिड्स यानी कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉयल में होने की वजह से अमीनो एसिड्स में से नाइट्रोजन लेना है तो अमीनो एसिड्स का बेस्ट सोर्स एनिमल सोर्स ही है इस वजह से ये जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं बट एक्टिवली नहीं करते पैसिव प्रोसेस है इन्होंने अपना पिचर खोल रखा है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो उसके अंदर गिर गया वो वहीं का होके रह गया वन वे रूट है बाहर निकलने का रास्ता नहीं है आप अगर अपनी उंगली भी कभी अंदर डालते हैं सो यू विल फील दोज केमिकल्स आर क्वाइट एसिडिक सो निपेंथिस और सैरासिनिया

अनियन एंड गार्लिक गार्लिक इज एलियम सीपा याद रखिएगा एंड सॉरी अनियन इज एलियम सीपा गार्लिक इज एलियम सेटिवम ठीक है ये दोनों के दोनों जो हैं फ्लैशी लीव्स होती हैं इनमें एंड दे स्टोर द फूड ये देख लीजिए प्याज की ये जो लीव्स हैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं दीज आर द फ्लैशी लीव्स और इन लीव्स के बीच में यानी कि दो लीफ के बीच में जो एंगल है बिल्कुल छोटा सा एंगल है सो दैट इज फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड्स इमर्जेस और सबसे जो सेंटर में पोर्शन है दिस इज देंट्रल बर्ड ये यही सबसे पहले ग्रो करता है लेकिन साइड में से भी ग्रोथ हो जाती है सो दीज आर फ्लैशी लीव्स है ना अब ये देख लीजिए यहां पर गार्लिक है गार्लिक में भी ये जो एक एक आपको दिखाई देते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेसन के अंदर वो स्केल लीव्स हैं सारे के सारे एंड दे आर द फ्लैशी लीव्स और उनके मार्जिन में यानी कि उनके बीच में जो एंगल होता है वहां पर होते हैं एक्सिलरी बड्स एंड दिस इज द स्टॉक ये देखिए एक डंडी जैसी रहती है इसके बीच में तो जब उसको क्रॉस सेक्शन किया गया कट किया गया तो आपको क्लैरिटी के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है अब लेसन इतना वाइट है कि वो आपको यहां पर विजिबल नहीं हो रहा समझ में आ गई बात अनियन एंड गार्लिक बोथ आर सिमिलर टाइप सेम जीनस है एलियम एलियम सीपा इज अनियन एलियम सैटिवम इज गार्लिक याद रखिएगा इसके बारे में सो दीज आर द मॉडिफिकेशन अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव लीवस के बारे में यानी कि मॉडिफिकेशन फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो रिप्रोडक्टिव लीवस किसमें पाई जाती है ब्रायोफाइलम में पाई जाती है कैलनको में पाई जाती है रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं यहां दिखाना जरूरी था इसलिए एक एग्जाम्पल को इंक्लूड कर लिया गया बर्ड्स अराइजिंग ऑन द लीवस हेल्प इन वेजिटेड

ये टर्म काफी सुन चुके हैं सक्यूलेंट प्लांट सक्यूलेंट प्लांट्स का मतलब वो होता है जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं एडवर्स से निपटने के लिए तो ये कैसे कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट हैं यानी कि कंडीशन में ग्रो करते हैं मेनली या फिर सलाइन कंडीशन में क्योंकि एडप्टेशन तो जीरो ही है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जीरो कंडीशन यानी कि जहां पर वाटर की स्केरसिटी होती है तो वो सिर्फ रेगिस्तान में नहीं होती जहां पर नमक वाला पानी होता है वहां पर भी फ्रेश वाटर की है क्योंकि टेंडेंसी होती है वाटर बाहर लूज करने का तो उस टेंडेंसी से निपटने के लिए प्लांट वाटर को कंजर्व करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं. तो, वो सारे के सारे जीरो हैं तो बात कर लेते हैं लीवस की. लीवस आर थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर म्यूसिलेज होता है उसके अंदर फूड मटीरियल होता है मेनली फाउंड इन सलाइन एंड जीरो देख लीजिए ये दिस इज यू अंडरस्टैंड दिस अगेव देन वी हैव ब्रायोफाइलम, इट इज ऑल्सोलेंट तो मोटी पत्तियां जितनी होती हैं वो सक्यूलेंट लीव्स कहलाती हैं, एंड दे स्टोर फूड विद इन द लीवस पत्तियों के अंदर ही स्टोरेज होता है बच्चों समझ में आ गई बात तो आज के सेशन में यहीं तक पत्तियों का अध्याय हमारा हुआ समाप्त अब कल से हम बात करेंगे इन फ्लोरसेंस के बारे में इनफ्लोरेसेंस की स्ट्रक्चर का होता है फ्लावर के बारे में बात करेंगे कंपाउंड फ्लावर्स यानी कि कई सारे फ्लावर एक साथ रहेंगे तो वही इनफ्लोरेसेंस कहलाता है उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पर बात करने वाले हैं सो आई बिलीव द द टॉपिक ऑन लीव्स हैज़ मेड यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द लीव्स यानी कि आपकी समझ बिल्कुल सही आ गई है ठीक है बच्चों चलिए बच्चों बहुत बहुत स्वागत रहा आप सभी का आज के इस सेशन में और लाइक्स देते रहिएगा अब बात कर लेते हैं अपने अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बच्चे हमारे साथ डिटेल स्टडी के लिए जुड़ना चाहते हैं और मेरे सेशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल गेट अ टेन डिस्काउंट कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट टू पार्ट वन हैज़ कंप्लीटेड तो आप उसको भी देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट टू एंड देन हियर आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग देख लीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं बच्चों हमारे सेशंस जो चल रहे हैं क्लास इलेवेंथ के लिए यूट्यूब पर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे बायोलॉजी फ्रॉम सेवन पी एम फिजिक्स एट पी एम केमेस्ट्री नाइन पी एम इसके अलावा एक और स्लॉट है बायोलॉजी का फ्रॉम फोर टू फाइव जिसको कभी मैं तो कभी सचिन सर लेते हैं फॉर क्लास ट्वेल्थ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे टाइमिंग्स आर बायोलॉजी सेवन पी एम फिजिक्स एट पी एम केमिस्ट्री नाइन पी एम एंड देर इज वन मोर स्लॉट फ्रॉम फोर टू फाइव विच ईदर मी और सचिन सर विल टेक और बच्चों अन अकेडमी जेई अन अकेडमी फाउंडेशन अनैडमी नीट ऑल आर सिस्टर चैनल सो टूगेदर लेट्स क्रैक इट और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और शेयर कर दीजिए सेशंस को हैश नीट लाइव डेली के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस रेवोल्यूशन के बारे में सबको पता चलना ही चाहिए दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों थैंक यू टेक केयर